तुम ये फुटेज देख रहे हो, तुमने ये क्लिप कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। और इस क्लिप के अंदर जो ये लेडी है जो डांस कर रही है, उसको नाम दिया गया है द सर्बियन डांसिंग लेडी। ये लेडी कौन है, कहां से आई है, क्या करती है, इसका चेहरा कैसा दिखता है, ये सब एक मिस्ट्री है। इस लेडी की पहली वीडियो बाहर आई थी 2019 में और ये अब जाके वायरल हो रही है। और जो इस लेडी की सबसे पहली वीडियो आई थी वो एक हॉस्पिटल के बाहर थी। किसी इंसान ने देखा कि ये एक लेडी है और वो हॉस्पिटल के सामने सड़क पर डांस कर रही है, और उस फुटेज में तुम चेहरा नहीं देख सकते। जो इंसान इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है, उस इंसान को ये जो डांसिंग लेडी है वो पकड़ लेती। उस लेडी को समझ आ जाता है कि उसको कोई रिकॉर्ड कर रहा है या उसके कोई आसपास है, और वो लेडी सीधा सीधा उस इंसान की तरफ भागने लगती है एक चाकू लेके। उस लेडी के पास एक चाकू होता है जो उसके पास पूरे टाइम रखा हुआ होता है जब वो डांस कर रही होती है, और जैसे ही उस लेडी को पता चलता है कि उसके आसपास कोई है, वो सीधा उसकी तरफ भागती है और उसे चाकू मार देती है। ये क्लिप जब मैंने पहली बार देखी थी तो मैं एक्चुअली थोड़ा डर गया था कि ये क्या चीज़ है और ये कौन है, और ये जो पूरी वीडियो है इसकी वाइब ही बहुत क्रीपी है। ये वाली क्लिप और इसकी तरह कई और क्लिप्स बाहर आई हैं जो टिकटॉक और रील्स पे बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। इनमें से एक वीडियो थी ये, इसके अंदर तुम देख सकते हो कि जो लेडी डांस कर रही है, वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो लेडी डांस कर रही है उसके कपड़ों पे कुछ रेड रेड लगा हुआ है, और काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि उसकी ड्रेस अलग कलर की है लेकिन उस पर खून लगा हुआ है। वीडियो की क्वालिटी की वजह से तुम इस चीज़ को जज नहीं कर सकते। तुम वीडियो में देख सकते हो कि वो सड़क पे धीरे धीरे डांस कर रही है जैसे कि उसको कोई परवाह नहीं है कि आसपास कोई हो सकता है। डांस करते करते जो इंसान रिकॉर्ड कर रहा है वो धीरे धीरे उसको और क्लैरिटी में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। वो थोड़ा सा और साइड में आता है, सड़क पे आता है, थोड़ा पास जाने की कोशिश करता है, और एकदम से तुम देख सकते हो कि लेडी पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़ते ही उसे पता चल जाता है कि उसे कोई रिकॉर्ड कर रहा है, और पीछे मुड़ के वो एक सेकंड के लिए उस इंसान को देखती है लेकिन उस लेडी का चेहरा नहीं दिखता, और वो सीधा चाकू लेके भागती है उस इंसान के पीछे जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस अभी तक आ चुके हैं। इस सर्बियन लेडी को जब तुम गूगल करते हो तो सबसे पहले यही वीडियो आती है। अभी के टाइम पे सर्बियन लेडी को काफ़ी ज़्यादा सर्च करा जा रहा है गूगल पे, और पुलिस ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि तुम्हें कहीं भी ये लेडी दिखती है तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जहाँ पे लोगों ने बोला है कि उन्हें ऐसी लेडी दिखी है और उस लेडी ने उन पर हमला भी करा है। और गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च्ड चीज़ पता है क्या है इस टॉपिक पे? सर्बियन लेडी कॉट बाय द पुलिस। लोगों को जानना है कि इसके पीछे कौन है, ये इंसान कौन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है या कर रही है, किसी को नहीं पता। और ये चीज़ अभी भी एक मिस्ट्री है कि ये कौन है, क्योंकि पुलिस ने आज तक ऐसे किसी इंसान को नहीं पकड़ा। बीच में एक थ्योरी ये आई थी कि ये जो इंसान है जो डांस कर रहा है, जिसको हमने सर्बियन लेडी का टाइटल दिया हुआ है, ये एक मेंटली इल इंसान है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, इसको कोई अलग टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है, उसका ब्रेन नॉर्मली फंक्शन नहीं करता है। ये चीज़ इसलिए बोली गई थी, ये स्टेटमेंट इसलिए बाहर आया था, काफ़ी सारे लोग इसे इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो सबसे पहली फुटेज आई थी वो एक हॉस्पिटल के बाहर से आई थी, लेकिन ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देने का। लेकिन एक बहुत ही अजीब सी चीज़ नोटिस करी गई थी बाद में कि जो भी वीडियोज़ पॉपुलर हो रही थी इस सर्बियन लेडी पे, एक बहुत ही वियर्ड चीज़ बाहर आई थी बाद में कि द डांसिंग सर्बियन लेडी पे जो भी वीडियोज़ आई थी उनके अंदर नीचे कमेंट्स में लोग कमेंट कर रहे थे सॉरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट योर परमिशन, और इस कमेंट के आगे क्रॉस का सिंबल रहता है। काफ़ी जगह ऐसे भी नोटिस करा है कि जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर करा है वो वीडियो के एंड में जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो लगा देते हैं। अब ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये चीज़ बिलीव करते हैं कि ये एक स्पिरिट है, कि ये एक इंसान नहीं है। काफी सारे लोगों ने ये भी बोला था कि इट्स वेरी पॉसिबल कि ये एक लेडी ना हो, ये एक आदमी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक औरत ही हो, ये एक आदमी भी हो सकता है। लेकिन काफी सारे लोग ये मानते हैं कि ये कोई स्पिरिट हो सकती है या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है जो ह्यूमन नहीं है। इट कैन बी अ स्पिरिट ऑल्सो, इट कैन बी अ घोस्ट। लोगों की अलग अलग थियोरीज हैं इस चीज़ पे, क्योंकि लोगों ने अभी तक इसका चेहरा भी नहीं देखा है और काफ़ी सारी फुटेजेस रिकॉर्ड हुई हैं, स्टिल किसी भी फुटेज में उसका चेहरा क्लियरली नहीं देखा जा सकता।
डीमंस के वर्ल्ड में और स्पिरिट्स के वर्ल्ड में, भूतों के वर्ल्ड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेसलेस हैं, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि उनमें से कोई एक चीज़ ये डांसिंग सर्बियन लेडी। काफ़ी सारे लोग इस पे प्रैंक वीडियोस भी बना रहे हैं जहाँ पे वो खुद ड्रेसअप होके स्ट्रीट्स पे जाके डांस कर रहे हैं उसी सर्बियन लेडी की तरह। उसका एक स्पेसिफिक तरीका है डांस करने का। जो प्रैंकस्टर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं इस चीज़ पे, वो उसी की तरह डांस कर रहे हैं, लेकिन उनके कॉमेंट्स में भी काफ़ी जगह लोगों ने कॉमेंट करा हुआ है कि ये चीज़ मजाक की नहीं है। What the fuck, guy? Virginia, what you mean? लोग ये बिलीव करते हैं कि ये जो वीडियो है ये हॉन्ट कर सकती है, ये स्पिरिट अटैक कर सकती है उन लोगों को जो इसको देख रहे हैं। तो अब मैंने भी ये वीडियो देख लिया है, तुमने भी देख लिया है, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर तुम्हें खुद को थोड़ा सेफ रखना है तो तुम इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो कि सॉरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट योर परमिशन। अब मेन चीज़ आती है कि इस लेडी की जो वीडियो है वो सर्बिया से आई है मेनली, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी रिपोर्टिंग्स ऐसी भी थी कि ओहायो में भी इसको स्पॉट करा गया। इंडिया में तो ऐसा कोई केस है नहीं अभी तक, लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर तुम ऐसा कुछ एनकाउंटर करते हो तो हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। अगर तुम इस स्पिरिट को, इस इंसान को, इस लेडी को देखते हो डांस करते हो कहीं सड़क पे रन हुए, उसके नोटिस में बिल्कुल भी मत आना, और ये तो बिल्कुल मत कोशिश करना कि तुम जाके चेक करो कि ये कौन है। जस्ट रन अवे एंड रिपोर्ट टू द पुलिस। साथ ही साथ उसकी सराउंडिंग में ज़्यादा देर मत रहना। अगर तुम दूर भी हो, तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ वो नोटिस नहीं कर सकती तुमको और नहीं करा है, तो उसकी सराउंडिंग में भी मत रहो। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बोला था कि उसको देखना ही काफ़ी हद तक डेंजरस है। उसने तुम्हें नोटिस करा है नहीं करा दैट डजंट मैटर, लेकिन उसको खाली देखना काफ़ी देर तक कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो गाइज, दिस इज द स्टोरी ऑफ द डांसिंग सर्बियन लेडी। तो अगर तुम ऐसा कुछ कभी एनकाउंटर करते हो तो तुम क्या करोगे? डू यू हैव द करेज कि अगर तुम ऐसी डांसिंग लेडी को देखो अपने सामने तो तुम क्या जाके कन्फ्रंट करोगे? क्या जानने की कोशिश करोगे कि ये कौन है? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? मैं तो नहीं करूँगा। एंड आई रियली वॉन्ट नो कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर ऐसा कुछ इंडिया में हो कि अगर ये लेडी इंडियंस को दिखे तो इंडियंस कैसे रिएक्ट करेंगे। सो गाइज, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें पसंद आई है तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि